नाबालिग से गैंगरेप मामले के आरोपी का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर बेरवा समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही आरोपी की संपत्ति जब्त करने की मांग की। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर के तूकोगंज थाना अंतर्गत पंचम की फेल इलाके में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के महज 6 घंटे बाद 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया था। वहीं दुष्कर्म का शिकार हुई बैरवा समाज की बालिका को त्वरित इंसाफ दिलाने को लेकर बैरवा महासंघ के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचा। समाज के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश विश्वप्रेमी के अनुसार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन अब इन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। साथ ही समाज के लोगों ने कलेक्टर से पीड़ित परिवार को संरक्षण देने की भी गुहार लगाई। अभी कुछ दिन पूर्व पंजाब के फैलोर में कॉलोनी है, वहाँ पर एक नाबालिग बालिका के साथ जो दलित समाज की है, बेरवा समाज की है, उनके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया है और उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और पास्को और इसके अंतर्गत पुलिस की कार्रवाई तो पूरी की है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई के साथ उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए और उस बालिका को आर्थिक मदद की जाए और जो उनकी अवैध संपत्ति वगैरह है उसको जो नियम है उसके अंतर्गत जब्त की जाए। वहीं समाज जन ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद भी मांगी। वहीं जिला कलेक्टर ने समाज के लोगों को भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।